पकड़ो 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 पूरा माल फ्री है, स्ट्रांग है भाई। वेटिंग फॉर यू, जो ये चीज है ये एक्वेरियम है। हाल है टॉमी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मॉर्निंग, आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गए रोडवेज और हम लोग जा रहे हैं कैची धाम की तरफ। तो चलिए बस में बैठते हैं, यह है रोडवेज, चलो बाय। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कैची धाम नीम करोली बाबा। ये मेरा दूसरी बार ट्रिप है, भाई का मन था क्योंकि इन्होंने पहली बार सुना, जैसे इन्होंने सुना इनके मन में भक्ति भाव जागा तो ये तुरंत जो है यहाँ पर आ पहुँचे। यहाँ का कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से चारों तरफ। कैची धाम दर्शन इसको बोलते हैं, कैची धाम है ही पूरा। गाइस यार हम लोग अंदर से आ गए हैं और बड़ा ही अच्छा था। कैसा लगा हिमू भाई से पूछते हैं। छोटा मंदिर है, काफ़ी भीड़ कम थी, अच्छे लगे हमें। हाँ काफ़ी अच्छा था, लास्ट में चने दिए। नहीं वाले चने के लिए थोड़ी ना आए हो यार। अच्छा, यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है और जो यहाँ अनुभूति मिलती है वो पर ब्रह्म परमात्मा के अधीन, यानी कि उसकी भक्ति में खो जाने का मन करता है। चारों तरफ हवाएं, ये प्रकृति और यहाँ की देवी देवता, सब कुछ बड़ा ही अद्भुत है। 250 का सालीग्राम। तो गाइस यार यहाँ पर लेने के लिए आ रखे हम, और ये सालीग्राम 250 का बता रहे हैं, ओरिजिनल होगा यार। देख लो और कुछ लेना है तो, या तो वो देख लो ना, माला या लॉकेट टाइप की। तो यार मंदिर से हम लोग बाहर तो आ गए हैं, अभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं टैक्सी का या बस वगैरह कुछ भी मिल जाए, और यहाँ से आगे हम जाएंगे भीमताल की तरफ, फिर वहाँ पर थोड़ा फन करेंगे। बस अभी हमने एक गाड़ी छोड़ दी क्योंकि वो वहाँ पे पकौड़े थोड़े गर्म थे तो हमारा ध्यान चला गया था वहाँ पे। चूँकि हमारी रोडवेज वहाँ पे, तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ रोडवेज से जाएंगे आगे भीमताल की तरफ। काफ़ी वेट कर रहे थे तो थोड़ी देर से। हम लोग अभी आ पहुँचे हैं ये भीमताल में। ये देखिए यहाँ पर आपको प्यारी सी सुंदर सी लेक दिख रही होगी। थोड़ा अभी एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया क्योंकि भाई को घूमना था, पैराग्लाइडिंग करनी थी, पैराग्लाइडिंग के लिए लेके आए थे क्योंकि यहाँ पर साइड बंद बता रहे थे, तो शायद अभी खुल चुके हैं, तो अभी पता चलेगा वहाँ पे जाके देखेंगे कि साइड खुली है नहीं खुली। एक और खुशी की बात, आज 5 का सिक्का मिल चुका है वापस। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये खूबसूरती देखो कितना गजब लग रहा है। ये देखो ये रिजॉर्ट है यहाँ पे, और ये देखिए इसकी खूबसूरती कितना प्यारा, क्या सुंदर व्यू है पर चारों तरफ हर तरफ बिल्कुल मज़ेदार ही मज़ेदार। मतलब आप जब यहाँ पर आएंगे तभी फील करेंगे, अदरवाइज़ वैसे तो फील कर नहीं सकते आप। जो ये चीज़ है ये एक्वेरियम है यहाँ भीमताल लेक के बीच में, और यहाँ पर इधर साइड टेम्पल है। ये आप देख रहे होंगे गाइस यार कितना प्यारा लग रहा है, ये जो फ्लावर्स फूल्स वगैरह लेक के बीच में इस तरीके से ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, और ये पेड़ पौधे अगर आप ये देख रहे हैं, देवदार के वृक्ष, और पैराग्लाइडिंग हो रही है और भाई के चेहरे पे गुस्सा ही एकदम देखने लायक है। ये देखो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है व्यू यहाँ से। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये भीमताल है, और ये सामने नौकुचियाता के लिए अवेजर बाइक, और यहाँ से हम आगे को चलेंगे। हम लोग जा रहे हैं भीमताल की तरफ, अभी नौकुचियाताल में थे, और यहाँ से हम लोग आगे भीमताल में करेंगे बोटिंग वगैरह। यहाँ से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है चारों तरफ का। ये देखिए हल्का हल्का धुंध चाहिए क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, तो पूरा धुंध ही धुंध छाई हुई है। हम आप पहुँचे हैं यहाँ पे भीमताल, और ये रही ना यहाँ पे यार, और यहीं से हम लोग करेंगे अभी क्या बोटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर कर दिया बाइक पार्क, और अब नीचे यहाँ से जाएंगे वहाँ तक एक्वेरियम तक जाएंगे बोटिंग से, देख के आएंगे वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। 250 रुपये है भैया दो जनों के लिए, और 4-सीटर जो है वो 350 दिखा रहे हैं। ये देखो सामने जो ये मजा है ना बीच ताल में, वो भी ड्रिंक करना, मतलब वाली ड्रिंक नहीं जो आप सोच रहे हो, यह कोक। अभी मैं आपको एक्वेरियम पे लेके जाता हूँ, और भाई को बड़ी दिक्कत आ रही है, और दिक्कत वो इसलिए आ रही है क्योंकि लाइफ जैकेट ना पूरे गले तक आ जा रही है। मज़ा आ गया गर्मियों का लुत्फ उठाने के लिए, ये दूसरी बार राइडिंग हमारी, इस बार भाई को लेके आया मैं। ये देखो बड़े प्यारे लग रहे हैं, कितने, एक ये रहा दो ये रहा, मतलब ये ऐसे तैरते रहते हैं। आ ले टॉमी, ले आ भाग दिया। हम इसके जस्सी पास आए और ये बिल्कुल एकदम उड़ते हुए उधर चले गया, मतलब तैरते हुए, ले 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 स्वामी जैकी जैकी ला। ये ला, ये देखो कितना इसका यार कितना प्यार से तैर रहा है ना यार। ये देखो ना, ये देखो इसके टांग देख रहे हो,
ये है एक्वेरियम यहाँ का, एक्वेरियम कैफे, जो बीच टापू भी बन रखा है यहाँ पे बिल्कुल ताल के एकदम ठीक बीच में। बड़े पास से आ चुके हैं और कितने प्यास से, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। एक बार इनको ना ये देखे देखते हैं, ले ये दे रहे हैं इसको चिप्स का पैकेट में से। अरे खाने के लिए आ गए तो हो, आ गया खाने के लिए, ये देखो ये देखो, अरे रे रे ये देखो सब कुछ खा जा रहा है, मतलब जो भी है अल्टीमेटम, मतलब ऐसा लग रहा है। ये देखो ये देखो, यहाँ पर हो रही है पैराग्लाइडिंग, ये देखो। अब भाई का भी मन हो रहा है इसको देख के, ये देखो, और वहाँ पे लैंड करवा रहे हूँ भी, ये लहर मार के। हम लोग हैं नकुचिया ताल में और भाई यहाँ पर जिप लाइन के लिए रेडी बैठा है। लो मैं टोपी पहन लूँ, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो ब्रदर इज़ गेट रेडी फॉर जिप लाइन। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक जाएंगे बिल्कुल जैसे पिछली बार गए थे। गेट रेडी, नदी के ऊपर। हाँ पहली बार, बट एक्चुअली यहाँ पे दो दो जिप लाइन है, ये एक 300 मीटर वाला है और एक 500 मीटर वाला है। हाँ हाँ ये 300 है, तो फिर इसमें कोई डर नहीं है, तो भाई को अभी पहली बार है। डर तो हाँ वही है, तैरना वैरना नहीं आता, बट भगवान का नाम लिया हमने तो इतना टेंशन नहीं है। और तो जाओ गेट रेडी, चलो बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और गाइस यहाँ पर अंकित जी करते हुए ज़्यादा ही यहाँ पर बकवास करते हुए, इस काम के मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे। अंकित आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाथ हाथ सुन, हाथ मत पकड़ना, ऊपर मत पकड़ना, चलो शाबाश, चलो यार। इसको भाई प्यारे लग रहे हैं यार, ये पास से देखते इसको है। भाग रहा है यहाँ पे, नहीं मैडम अरे हाथ में रखना, हाथ में काटेगा तो नहीं, पकड़ो 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 पकड़ो, भाग गया। है नौकुचिया ताल जहाँ पर हम खड़े हैं, और यहाँ पर बोटिंग्स वगैरह लोग यहाँ पर डक्स को खिला रहे हैं हाथों में लेके, और बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर हैं। इतने सारे डक्स आप देख रहे होंगे पीछे साइड, और मतलब है कि बिल्कुल पास से देखो तो इनको बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं, काटते नहीं है, मतलब जैसे लग रहे, बड़े प्यारे लग रहे हैं, मतलब मस्त लगा ना देखने में, मस्त तो लगा काफ़ी, बड़े काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया लगा मेरे को, मतलब यहाँ पे जो चीज़ को खाने की चाहिए वो भी इसी दुकान से दे रहे हैं, और इनको जो ग्रो करने के लिए जो खाना चाहिए वो भी इन दुकान से मिल रहा है, और इनको ही मिल रहा है। हाँ मतलब बेसिकली मतलब ये एक प्रकार से बिजनेस बड़ा अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा बिजनेस, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे खरीद के, इनको खिलाने के चक्कर में उनसे खरीद के फिर खिला रहे हैं, यानी कि उस बंदे का बिजनेस मतलब काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई इनको आओ खिलाओ, तो यहाँ से 10-20 रुपये में लोग वहाँ से खरीद रहे हैं। हमने भी इससे बात की, मतलब 50% इक्विटी के बदले 400 रुपये। पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, हमने हनुमान जी के दर्शन किए इन पहाड़ों के बीच में, और फिर अब यहाँ से आगे को निकलते हैं। क्या कह रहे हो? मैं पूछ रहा था कि जो तेरी एक वीडियो है जिस पे बहुत ज्यादा व्यूज है, क्या वो? हाँ वो यही है, यही व्यूज है, यही जगह। भीमताल से आगे की तरफ निकल चुके हैं, और ये अभी हम हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं। देखो क्या होता है आगे के ट्रिप को, कैसे हम बड़ी करते हैं, क्यों जी बिल्कुल। और अभी तो यही प्लान है कि भैया हल्द्वानी जाएंगे, फिर हल्द्वानी से कल आगे का देखेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी में, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज, तो बहुत सारी चीजें की, लेकिन थोड़ा सा पैराग्लाइडिंग करनी थी भाई को तो हो नहीं पाई, क्योंकि उसकी जो विंड थी हवा उसके अकॉर्डिंग ही जो पैराग्लाइडिंग होती है, तो कोई नहीं कल ट्राई करेंगे अगर हो पाई तो। और जो आंखों में ये पानी दिख रहा है, पानी नहीं है, ये आंसू है। हाँ तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप यू एंजॉयड वेल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पट